तेरे दिल के लिफाफे में मेरा खत है जाने। नमस्ते, अस्सलाम वालेकुम, खुश आमदीद वापस मेरे चैनल पे। हैप्पी होली और शबे बारात मुबारक आप सबों को। छोटा सा किस्सा याद आया है इस पे के जो कि शबे बारात से रिलेटेड है कि हम लोग हलवा क्यों बनाते हैं। तो जो इस्लाम के प्रॉफिट थे हुजूर मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो जब उनका एक दांत टूट गया था तो वो कुछ खा नहीं पा रहे थे, तो हलवा दिया गया था। तो हलवा एक बहुत ही सॉफ्ट और मीठा डेलिकेसी होता है, आप लोगों को पता होगा, कोई भी स्वीट शॉप में मिल जाता है। तो वो खा रहे थे, तो उनके एक डिसाइपल थे हज़रत वैस करनी रहमतुल्लाह अलैह, तो वो भी, उन्होंने भी अपना एक दांत तोड़ दिया और वो भी उनके साथ वही खाने लगे। तो ये बहुत प्यारी सी छोटी सी बात, तो यही है। और भी बहुत सारे किस्से हैं, उनमें से ये एक छोटी सी प्यारी सी थी। और दूसरी चीज़ ये है कि होली का मौका और श्री कृष्ण की भी बात ना की जाए। और हिंदुस्तान है जहाँ पे दो धर्मों की, सारे धर्मों की एक साथ बात ही ना की जाए तो ऐसी हो नहीं सकती। तो श्री कृष्ण की वो बात याद आती है कि महाभारत आप सबों को याद होगा, तो महाभारत में अर्जुन के रथ के ऊपर छोटे से हनुमान जी बैठे थे, अगर किसी ने नोटिस किया। तो उधर श्री कृष्ण ने अर्जुन को बोला कि युद्धभूमि में ऐसा वक्त आ गया अर्जुन कि अब हमें हनुमान जी की मदद लेनी होगी। तो अर्जुन ने कहा वो वानर है, वानर क्या मदद करेगा हमारी। तो कहा नहीं, मदद तो लेनी होगी। तो जब वो हनुमान जी के पास गए तो हनुमान जी तो तैयार हो गए, मगर उन्हें एक शर्त रखा कि मुझे कीर्तन व मुझे भजन चाहिए। तो अब अर्जुन बोलने लगे कि महाप्रभु वहाँ पे तो महायुद्ध हो रहा है, रक्त है हर जगह, भजन कैसे होगा। तो वहाँ पे श्री कृष्ण मान गए। तो आप लोगों को याद होगा कि महाभारत की युद्ध भूमि में श्री कृष्ण ने गीता का उच्चारण किया था, तो वो किसी और के लिए, वो अर्जुन के लिए नहीं था, वो हनुमान जी के लिए था। तो ये भी बहुत प्यारी सी बात, छोटी सी बात है जो बहुतों को नहीं पता। तो इसी के साथ हैप्पी होली, शबे बारात मुबारक आप सबों को। और चलिए देखते हैं आज का दिन कैसे जाता है, आप लोगों को अपडेट रखेंगे, अपना दुआ आशीर्वाद और प्यार बनाए। तो हम निकल गए हैं, अभी हम जा रहे हैं सैफ को लेने, फिर सैफ को पिक करके हम न्यू मार्केट साइड जा रहे हैं कुछ काम से। अगर वो काम हुआ तो आप लोग को ज़रूर देखने को मिलेगा, नहीं हुआ तो फिर, बट बहुत जल्दी होगा, होपफुली आज ही हो जाए, वरना फिर वो सामान हमें ऑनलाइन ऑर्डर करना होगा, फिर उसको आने में टाइम लगेगा। तो ये एक स्टोर बहुत मुश्किल से खोज के मिला है। और ये होली के लोग होली खेलते हुए जाके, होली खेले रघुवीरा अवध में, होली खेले रघुवीरा, मिल मिल हो गई लोग दुहाई, महाराजा वीरा अवध में, होली खेले रघुवीरा। तो सैफ को पिक करते फिर आप लोग से मिलते हैं। तो हम लोग ने सैफ को पिक कर लिया है और अभी रास्ता पे हम लोग जा रहे हैं। आज का जो समाचार है कि बहुत बहुत ही ज़्यादा गर्मी है आज, पर जो अच्छा बात है वो है कि रास्ता आज सन्नाटा और खाली है। फिर इधर कहीं आना होगा, कल आना होगा, ठीक है। तो दुकान बंद है, हम लोग वापस जा रहे हैं, कल या परसों छुट्टी होगा तो उस दिन वापस।
अरे पापा के साथ थोड़ा सा बाहर कुछ रिचुअल्स है, रिचुअल्स परफॉर्म करने, फिर उसके बाद जिम जाएंगे। और देखो कैसा लगा आपका भाई कुर्ता पे। जैसे आप देख रहे हैं कि रंग बिरंगे ड्रिंक का सब फोटो ले रहे हैं, क्योंकि सब डाइट में था, सब ब्लैक कॉफ़ी पी रहा था और आज होली का मौका पे सब ये पी रहे हैं। तो इसको पियेंगे हम लोग और पी के घर चलेंगे। आज का ब्लॉग यहाँ पे ख़त्म करते हैं। सबों को हैप्पी होली, सेहतमंद रहे, तंदुरुस्त रहे, शुभ रात्रि, शब्बा खैर, अपना प्यार आशीर्वाद बनाए रखें। गुड नाइट।